नमस्कार, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के बारे में। इसमें आप लोगों को 22 जनवरी 2022 की जो आज की जो ताज़ा खबर है आप लोगों को बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आने वाला है। तो चलिए, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, आप लोगों को दिया गया है एग्जामिनेशन के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं यूजी एग्जामिनेशन के बारे में, यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है आप लोगों को। देख सकते हैं, इट इज नोटिफाई ऑल कंसर्न डेट फीस एंड फॉर्म सबमिशन डेट ऑफ बैचलर पार्ट वन। बैचलर पार्ट वन का आप लोगों को, यानी कि यूजी पार्ट वन का एग्जामिनेशन फॉर्म कब से फिलअप होगा, साथ में आप लोगों का एग्जामिनेशन के बारे में दिया गया है। आप लोग नीचे देख सकते हैं, आप लोग को डेट मेंशन किया गया है 29 जनवरी 2022 से लेकर 7 फरवरी 2022 तक। विदाउट फाइन आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं बात करें आप लोग को इसकी लेट फाइन के साथ, तो आप लोग 8 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही और भी अपडेट चाहिए और इसकी एग्जामिनेशन की बात करें, तो इसकी फॉर्म फिलअप होने के बाद इसको अपडेट कर दिया जाएगा कब इसकी एग्जामिनेशन ली जाएगी। तो चलिए आप लोगों को आगे बताते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आप लोग को दिया गया है स्नातक से रिलेटेड, साथ में आप लोग को यहाँ पर दिया गया है एमएड से रिलेटेड। देख सकते हैं दिया गया है एमएड के सेमेस्टर, एमएड के सेशन 2020-22, जो 2020-22 के कैंडिडेट हैं एमएड के, उनका सेमेस्टर 2 का, साथ में सेमेस्टर 4 का सेशन 2019-21 की परीक्षा का फॉर्म उसका भी फिलअप हो रहा है। जिस भी कैंडिडेट को नहीं मालूम हो उनको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आप लोगों को जो पार्ट वन है 29 फरवरी से इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है। वहीं बात करें एमएड की, तो एमएड की जो है फॉर्म 27 फरवरी से लेकर 31 जनवरी तक इसका फॉर्म फिलअप होगा। इसके बीच अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं तो आप लोगों को फिर से एक मौका दिया जाएगा, 1 से लेकर 3 फरवरी तक आप लोग इसमें लेट फाइन लिया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को इसमें फॉर्म फिलअप कर लेना है, नहीं तो आप लोगों को लेट फाइन लग सकता है। तो चलिए आप लोगों को आगे बताते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं दिया गया है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस बिलिस में आप लोगों का परीक्षा फॉर्म भरने के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जैसा कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस सेशन 2020-21, साथ में आप लोगों का सेमेस्टर 1 मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस सेशन 2019-22 का सेमेस्टर 2 का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है कि बिलिस और एमलिस का जो परीक्षा केंद्र आप लोगों को बनाया गया है, TNB को, यहाँ पर देख सकते हैं PG केंद्र, PG अर्थशास्त्र विभाग को बनाया गया है। उसके बाद इसकी एग्जामिनेशन की बात करें तो कब से कब तक चलने वाली है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक चलेगी, यानी कि आप लोग को जो एग्जामिनेशन है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक चलने वाली है। वहीं बात करें इसके केंद्र के बारे में, तो इसका केंद्र जो है परीक्षा केंद्र PG अर्थशास्त्र विभाग को बनाया गया है एमलिस और बिलिस की एग्जामिनेशन के बारे में। एग्जामिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को, बिलिस की बात करें तो सेशन 2020-21 वाले का सेमेस्टर 1 का, और एमलिस की सेशन 2019-21 वाले सेमेस्टर 2 का एग्जामिनेशन यहाँ पर है। उसके बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ दिया गया है सीनेट की जो बैठक होने वाली है आप लोग को जनवरी में होने वाली थी, अब वो फरवरी में होगी। तो इसके बाद इसमें बैठक होने के बाद ही आप लोगों को जो PhD साथ में PG से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसमें समाधान हो सकता है। तो थोड़ा वेट कर लीजिए, इसके बैठक होने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा। तो चलिए आप लोगों को आगे बताते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं दिया गया है एजेंसी को 3 साल, यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन काम होगा, यानी कि यहाँ पर दिया गया है कि तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में ऑनलाइन मॉड्यूल पर काम कर रही है एजेंसी का टेन्योर फरवरी में पूरा हो जाएगा। इसको लेकर एजेंसी विश्वविद्यालय प्रशासन, यानी कि सभी चीज़ें आप लोग ऑनलाइन मोड में होने वाली है, और उसके बाद आप लोग को फरवरी के बाद आप लोग को अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ देख सकते हैं दिया गया है विश्वविद्यालय में 17 में से 2 मॉड्यूल पर ही काम हो पाया है, यानी कि आप लोगों को 2019 के दिसंबर माह से महावीर विश्वविद्यालय ने एजेंसी के साथ 17-18 शेड्यूल पर काम किया था, यानी कि आप लोग को अब ऑनलाइन मोड में सभी चीज़ें आगे होने वाली है 5 अप्रैल के बाद। उसके बाद फिर यहाँ पर देख सकते हैं स्नातक में विज्ञान से ऑनर्स करने वालों की दिलचस्पी घट गई है, अगर इसमें आप लोग एडमिशन लेंगे तो आप लोगों को जल्द से जल्द एडमिशन हो पाएगा, क्योंकि इसमें सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा खाली है और इसमें जो कैंडिडेट है एडमिशन के लिए इसमें बहुत कम है। तो चलिए आप लोग समझ चुके होंगे आज की जो अपडेटेड न्यूज़ थी आप लोगों को हमने बता दिया। साथ में आप लोग यहाँ देख सकते हैं TMBU के 8 कॉलेज भी TNB लॉ कॉलेज की तरह साबित होंगे, यानी कि जो भी कैंडिडेट TMBU यूनिवर्सिटी में आप लोग लॉ LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको बता देना चाहते हैं कि इसमें इसकी जो हो सकता है कि आप लोग को आगे जाके परेशानी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का TNB लॉ कॉलेज के साथ जो अदर 11 कॉलेज है उसमें भी ये जांच बैठी है, और उसमें भी अगर हो सकता है इस तरह का मामला आ सकता है TNB कॉलेज की तरह, तो हो सकता है आप लोगों को परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए आप लोग अभी TMB यूनिवर्सिटी में LLB का एडमिशन
ना ही लो तो आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा, नहीं तो आगे जाकर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो चलिए आज की जो अपडेट न्यूज़ थी आप लोग हमने बता दिया, साथ ही इस चैनल पर जो भी आप लोग हमने बताया है आप लोग कमेंट कर बताइएगा, और साथ ही इससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों को न्यूज़ चाहिए रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।